तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अपने पेज वैकेंसी वाला के साथ। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट पे आते हैं, किस चीज़ का वैकेंसी है, क्या एज लिमिट होने वाला है, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितना पोस्ट है, क्या सैलरी है, सब कुछ के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब नेम ऑफ पोस्ट के बाद आते हैं यूपीएससी इसी की नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1930 पोस्ट। एक ही लाइन में आपको क्लियर कर दिया गया है कि 1930 पोस्ट है, यूपीएससी के थ्रू है, नर्सिंग ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। फॉर्म आया है पोस्ट अपडेट का 7 मार्च 2024 को 5:39 पर। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे सभी चीज़। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग आते हैं। एप्लीकेशन बिगिन 7/3/2024 यानी कि 7 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई 27/3/2024 यानी कि 27 मार्च तक लास्ट डेट है 6 PM के बाद। पे एग्ज़ाम फी का लास्ट डेट ही है 27 मार्च को, एग्ज़ाम का लास्ट डेट है। करेक्शन डेट अगर करना है तो 28 से 3 तारीख तक आप लोग कर सकते हैं। पेन एंड पेपर टेस्ट एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड बिफोर अवेलेबल करा दिया जाएगा। SC/ST के लिए 0 रुपया, PH के लिए फिजिकली डिजेबल्ड के लिए 0 रुपया, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, फीमेल अगर कोई भी कैटेगरी से अप्लाई करेगी तो 0 रुपया। अब देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट यहाँ पे बता दिया है 18 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 30 साल है। अब जो 1930 पोस्ट है उसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESIC का फॉर्म फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके थ्रू एग्जाम है, 1930 पोस्ट है, भर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन नर्सिंग BSc नर्सिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM अगर होगा आपके पास डिग्री GNM का तो एक ही एक एक्सपीरियंस चाहिए तब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और BSc नर्सिंग का सीधा भी डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नया डिग्री है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दोनों रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से यानी कि BTSC से। मोबिलिटी विद द डिटेल्स, अब देखते हैं कैटेगरी वाइज सीट क्या है। नर्सिंग ऑफिसर इन ESIC अनरिजर्व का 892 है, OBC का 446, EWS का 193, SC/ST का 235, ST का 164 और PH का 169, चारों मिला के 1930 पोस्ट है। अब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने से पहले हम लोग आपको लिंक दिखाते हैं, लिंक पर क्लिक करके देखते हैं कि कैसा पेज खुलता है ताकि कोई कन्फ्यूजन बाद में ना हो। सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक आपको दिखेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन OTR पे जाएंगे, उसके बाद में क्लिक हेयर है, क्लिक हेयर पर हम लोग क्लिक करते हैं। पेज कैसा खुलता है, जब तक पेज खुला तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जब भी इससे रिलेटेड इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, सभी चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से पता चलते रहे। वेबसाइट थोड़ी स्लो है फिर भी पेज आपके सामने खुल चुका है। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का पेज है, UPSC के थ्रू वैकेंसी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है। 4 स्टेप है एप्लीकेंट के लिए, जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए, रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वेरीफिकेशन, डैशबोर्ड, चारों पे कुछ नहीं करना है। हम लोग सीधा नीचे आएंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके पास, जिनके पास ईमेल ID और OTP आ चुका है वो लोग लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, और जो लोग नए हैं वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। नए लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके करेंगे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके देखते हैं कि पेज कैसा खुलता है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो फॉर्म फिलअप करने में। अब जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक करेंगे उसी टाइप का फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको नाम देना है, वेरीफाई नेम, हैव यू चेंज, जितना चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है सब चीज़ भरेंगे। ईमेल ID आपके पास एकदम होना जरूरी है, ईमेल ID भी, अल्टरनेट ईमेल ID भी, ताकि गायब भी हो जाए तो फॉर्म आप लोग ओपन कर सकते हैं। 10th का नाम, 10th का सिक्योरिटी क्वेश्चन जो 4 है वो भरना है, उसके बाद सीधा लास्ट पे आएंगे, कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे, ये कोड यहाँ पे डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट आपका फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और 25 रुपया है, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 0 रुपया है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फ्रॉम वैकेंसी वाला ऑल ऑफ यू।